वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल निशा कुकिंग मास्टर में स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्राई राइस और चिकन कसा और चटनी बनाएंगे, इसलिए हमने बहुत सारे टमाटर को काट लिए हैं। तो हमने जो लाफा और बीन्स लिए हैं, बहुत सारे मिर्ची भी काट लिए हैं इसी तरह से। तो हम बनाएंगे, ये फ्राई हो चुकी है, इसको हमने फ्राई कर लिए हैं और थोड़ा घी डाल के फूल गोभी ऐसे फ्राई कर लेंगे। 3 किलो चिकन ले लिए हैं और इसी में हम 14 लोग खाएंगे। और ये चावल में डालने के लिए ऐसे घी ले लिए हैं, इसमें 4 किलो चावल ले लिए हैं। और चटनी बनाने के लिए खजूर ले लिए हैं, तो ऐसे चावल लिए हैं, गरम मसाला, चिकन मसाला, फूलगोभी, ये फ्राई हो गया है। बीन्स को फ्राई कर लेते हैं। मटर भी ले लेते हैं छिलके, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हमारा नींबू का पेड़ है, दो मैंने उठा लिया है ऐसे, और एक ले लेंगे। ये चीकू का पेड़ है, तभी बहुत ही छोटा है। तेजपत्ता हम निकाल लेते हैं इसमें डालने के लिए, ऐसे दो चार ऐसे ले लेते हैं, चिकन में भी डाल देंगे। ये अमरूद का पेड़ है, ये ऐसे कलर के है ऐसे, और एक है और दूसरा टाइप का है। रेडी करो, इसको भी फ्राई कर लेते हैं। चटनी बना लेंगे, मिर्ची डाल दिए हैं। अमरूद को इस तरह छोटे छोटे करके काट लिए हैं और काजू और एक खजूर को बीच निकाल लिए हैं इस तरह से। नमक डाल देंगे, कश्मीरी मिर्च डाल देंगे इसमें, टमाटर डालेंगे इसमें, पानी तो भिजी था। मुझे चीनी डाल रहे हैं, इसको थोड़ा साफ कर लिए हैं, वो हम डालेंगे इसमें। हाँ, किशमिश डाल देते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें, तो चटनी बहुत ही बढ़िया बनेंगे। हल्का सा गरम मसाला ऊपर इसे घुमा लिए हैं, अभी बनने लायक हो गया है। अब हम इसी से उठा लेंगे, ते हैं बंद, अभी इसको उठा लेंगे। चटनी बिल्कुल रेडी रेडी है, चटनी चिकन को अच्छे से साफ कर लिए हैं और इसमें दही डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसे ढक के रखेंगे। चिकन बनाएंगे कढ़ाई में, तो
सबसे पहले तेल डाल देते हैं इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया है और धनिया पत्ता को साफ कर लेंगे क्योंकि इसी से हम चटनी बनाएंगे। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे इसमें, डाल देते हैं इसमें। मस्टर्ड ऑयल डाले हैं इसमें क्योंकि मछली में और चिकन में मस्टर्ड ऑयल अच्छे लगते हैं। आप लोग कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्ची भी इसमें डाला जाएगा पूरा इसे। अब हम मिक्स कर लेंगे इसी तरह। पत्ता भी इसमें डालेंगे, नमक डालेंगे इसमें, बड़े चम्मच से 2 चम्मच नमक डाले हैं। धनिया पत्ता साफ कर लिए हैं, इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद इसमें टमाटर भी डालेंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें। नमक डाल के इसका चटनी बनाएंगे। चावल को माप लेते हैं। 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी डालेंगे। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। चावल साफ कर लिया है, बिल्कुल चावल को अच्छे से साफ कर लिया एकदम। मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं इसमें। सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं। टमाटर डाले हैं इसमें, जब तक तेल ना छूटे तब तक पकाएंगे इसे। मसाला को अच्छे से पकाएंगे। बहुत ऐसा पानी डाल देते हैं, फिर मसाला को और भी अच्छे से कसेंगे। कश्मीरी मिर्ची, अब मसाला को कस लिया है, ऊपर ऊपर ऑयल दिखने लगे हैं तो थोड़ा कलर के लिए हमने कश्मीरी मिर्ची डाल दिए हैं और अच्छे से मिला लेते हैं इसको। मैरिनेट करके रखे थे जो दही लगा के, वो हम अब मसाले में डालेंगे और इसे मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। माप के पानी डालेंगे इसमें। एक गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। चावल को हम भिगाने के लिए रखेंगे, बोली आधा घंटा हम भिगाएंगे चावल को। इसे अच्छे से साफ कर लेंगे, इसे पानी में भिगोने देते हैं अभी आधा घंटा के लिए, बाद में साफ कर लेंगे। देते हैं इसमें। 4 किलो चावल था, थोड़ा सा घी और नमक डाल देंगे इसमें और खड़ा गरम मसाला इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा घी डाल देते हैं इसमें। नमक डाल देते हैं इसमें। तेज पत्ता डाल देते हैं। काट लेते हैं इसमें प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता काट देते हैं ऊपर ऊपर। चिकन बन के रेडी हो गया है, अब धनिया पत्ता डालेंगे इसमें। धनिया पत्ता
पानी में उबाल आ गया है। अब चावल डाल देंगे इसमें। चावल डाल देते हैं। सबको दिए जा रहे हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।